पाकिस्तानियों को बाहर के ममालक में किस नजर से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जो बुराई है। अच्छा। ये बुराई आ गई है। सऊदीया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं, इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या बेईमान है? और इंडिया, इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग हुई है? चीज चेक होती है। और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो क्या निकल जाएंगे आप, क्लियर है। इंडिया को देखें, कहाँ पे चला गया, हमें देखें हम किधर हैं। हमारी तो सड़कें ही नहीं बन रही, चांद के पहुंचने का फ्यूल भी तक इतने पैसे नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? क्या बात कर दी, चांद पे जाना तो दूर, चांद तक पहुंचने का फ्यूल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो किस तरह से हम लोग इस वक्त अगर हम देखें तो हर पूरी पूरी वर्ल्ड में इंडियंस इंडियंस को बुलाते हैं, हर पास इंडिया छाया हुआ। आप देख लें, मैं सऊदी अरब उमरा करने गया था, बंगाली मार्केट में सब बंगाली है, उधर इंडियन है बंगाली, बस हम पाकिस्तानी कोई मुलाजम नहीं, ये हाल है। हमें ज़्यादा वो पानी अल्लाह ताला सबको दिखाए, पानी पलाने पे, खाना कहवा में, मक्के में, ये हमारी ड्यूटियाँ लगाते हैं वो। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। अब दुनिया के कई देश हमें फ्री वीज़ा एंट्री देने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो देश जो कभी भारत को पूछते नहीं थे, आज वो हाथ जोड़ के भारत के आगे खड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप प्लीज हमारे यहाँ पे वीजा फ्री आइए और देखिए पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। उनको वीजा तो दूर की बात है, जो उनके लोग वीजा लेके वहां रह रहे हैं उनको धक्के मार के निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, ये होता है जब एक कंट्री, एक देश, पूरा मुल्क जो होता है वो तरक्की करता है, और इसलिए जब तरक्की होती है तो पूरी दुनिया साथ आती है। दोस्तों, झुक जाती है। आज भारत ने सबको झुका दिया है, सब दुनिया कह रही है कि प्लीज हमारे देश में आइए, क्योंकि उनकी जैसे इंडियंस वहाँ जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, जैसे ही वहाँ टूरिस्ट पहुँचेंगे उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनको पैसा मिलेगा। आज कनाडा के लाल हो चुकी है दोस्तों नीचे से, ये हाल करती है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। दोस्तों, भारत की रैंकिंग तो बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान गिरता जाएगा। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अंकल, आपको पता है कि 12 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हम पर वीजाज की रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रही है, लोग हम पर वीजाज बैन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, हमारे लोगों पे, बच्चों पे हमारे, ये नहीं खत्म होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। करे कोई भरे कोई। अच्छा। समझो, ये जब तक हमारे मुल्क में ये चीज न जाएगी कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मैं इसके कपड़े खींच लूँ, वो कहते हैं मैं इसके खींच लूँ, और मुल्क का सोचो। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालक में किस नजर से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जो बुराई है। अच्छा। ये बुराई आ गई है। सऊदीया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के फेंकते हैं, इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या बेईमान है? और इंडिया, इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग हुई है? चीज चेक होती है। आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो क्या निकल जाएंगे आप, क्लियर है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या करते हैं हम बाजा? हमारी मुल्क में हमारी कौम के खास हमारी हुकूमतों ने किया। वहाँ पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं, मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में। क्यों झूठ बोले? क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसे नौकरियों पे ऑफिस में नहीं बैठा, नहीं वो नहीं बैठा, झूठ है जो भी कहता है। तो यहाँ से हम लोग वीजा लेकर जाते हैं, चले काम तो काम होता है, लेकिन एक वो फिर आ जाती है ना कि इंडियंस को वो लोग ऑफिस में बैठाते हैं और हम लोग वहाँ निचले तबके पर होते हैं। तो जैसे बंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। अच्छा। मैं वहाँ फूल बेचा बितेशन बितेशन ब्राह मारक स्वयं मारक, यहाँ तो कोई नहीं पूछता वहाँ क्या, जो अपने मुल्क में हम करेंगे ना उसकी हमारी पहचान है, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हमारे वो देख रहे हैं कि ये हमारे बूझे कर रहे हैं, वो भी ये करेंगे। अगर हमारी अपनी लड़ाई रहेगी तो कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। पर जहाँ दुनिया वीजाज बैन कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, वहाँ पर पहले श्रीलंका ने वीजा फ्री एंट्री दी इंडियंस को, अब थाईलैंड दे रहा है, 57 और ममालिक के अंदर उनकी वीजा फ्री एंट्री है, यानी वीजा के बगैर एंट्री है, उनका पासपोर्ट देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है, तो ऐसा क्यों? वो बॉडी बैन कर दिया, हम हड्राम है, यहाँ नहीं कर सकते, अपने बाहर जाके क्या करेंगे हम। हाँ जी। तो किस तरह से हम लोग इस वक्त अगर हम देखें तो हर पूरी पूरी वर्ल्ड में इंडियंस इंडियंस को बुलाते हैं? इंडिया, हर पास इंडिया छाया हुआ। आप देख लें, मैं सऊदी अरब उमरा करने गया था, बंगाली मार्केट में सब बंगाली हैं उधर। अच्छा।
इंडियन है बंगाली बस, पाकिस्तानी कोई मुलाजम नहीं वहाँ, ये हाल है। हमें ज़्यादा वो पानी अल्लाह ताला सबको दिखाए पानी पलाने पे, खाना काबा में मक्के में ये हमारी ड्यूटियाँ लगाते हैं वो बस। तो ये यकीन हमने भरोसा अपना खुद ही तोड़ा है, खुद तोड़ा है हम तो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सिर्फ नाम का पढ़ते हैं, ये नहीं कि हम पढ़ते हैं नाम का। कोई पसूड़ी पई साढ़े ला इलाहा या बारी ताला मेरे कर्म करी, या अल्लाह मेरे कर्म करी। जो जलजला आंदा है असं सारे मुसलमान इकट्ठे होने, उसके बाद देखो फिर रहे हम, कोई पता नहीं अल्लाह किधर है। कोई मुसलमान है, हर मुसलमान है वो इसराइल पे नहीं फलस्तीन, फलस्तीन में देखे ना। अब ये देखिए हर मुसलमान अपना खाने पीने में लगा, हम कहाँ के मुसलमान हैं बताएं ना, हमें किसी का एहसास ही नहीं है। जब हमें एहसास खत्म हो जाएगा तो हम तबाही की तरफ हैं। तो यही तो सारे कहते हैं, इतने अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो फलस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? सवाल तो ये है, अब वोटिंग के लिए लोग आ जाएंगे, ये वोट डालें वोट डालें, आप किसको वोट डालेंगे? आप हुक्मरान बताएं, आप कौन है? हमारे पास कोई भी नहीं है बाजी, मैं सारा दिन रक्षा चलाता हूँ, औरतें रोती हैं 10 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं, क्यों कि मियाँ की नौकरी नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, किससे लड़े हम? आवाम रो रही है, आवाम रो रही है। मैं कह रहा हूँ जुलूस निकला हुआ आवाम का, चलने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। मैं डेली 30-35 लोग उतारता हूँ, कोई औरत कहती है मेरे बच्चे की तनख्वाह नहीं मिली, मैं उतार देता हूँ खुदा खौफी, मगर अल्लाह ताला मुझे इससे रिजक दे रहा है। और हम तो लोगों को धमकियाँ देते रहते हैं, हमारे पास एटमी ताकत है तो हम ये उखाड़ देंगे, सब कुछ है मगर नियत और नजरिया नहीं है। 25,000 टन लाहौर के अंदर दूध की खपत है, 9,000 टन दूध निकलता है मजों से, 16,000 टन कहाँ से आता है? जहर पी रही है अवाम, जिस अवाम को कहो हुआ अवाम पता क्या कहती है, वो कहती चल वेखी जाएगी, बच्चों को जहर दे रहे हैं, हमारी जनरेशन मर रही है आर्टिफिशियल, बच्चे मर रहे हैं बाजी, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी आर्टिफिशियल तरीके से आता दूध, सही बात, कहाँ से पाउडर आ रहा है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अगर पकड़े जा रहे तो छूट क्यों रहे हैं वो? हमारे शाहदबाग गोलबाग आए हैं, आपको मैं साबित करके देता हूँ, आप अपनी टीम लाए आप, मगर बाजी इसके आगे कुछ भी नहीं चलता। वो बताएं कि हम लोगों को आवाम कहाँ जाएगी, बताएं आप, सही बात है। वो तो फ्रांस का पानी पिए और हम लोग एप्लीकेशन भेज भेज के कि हमारे गटर ठीक कर दो, हमारे गैस सही कर दो, हम इन चीज़ों में फंसे हुए। ये आप जिस एरिया में खड़े हुए ना, जिस एरिया में अभी खड़े हुए हैं आप, यहाँ पे देख लें हल्की सी बारिश होगी और यहाँ पे इतना कीचड़ हो जाएगा कि गुजरने को दिल नहीं करेगा, इतना बुरा हाल होगा। अभी ये देखें ये सड़कों में ये हाल है, टूटी हुई है, बहुत बुरे हाल है। क्यों नहीं है? 3 दफा बन चुकी है ये चीज, ये 3 दफा बन चुकी है। एक मरतबा मौका तो दो इस आवाम को निकलने का। और अपने हमसाए मुल्क में क्या डेमोक्रेसी नजर आ रही है? है बहुत सारी है, इंडिया को देखे कहाँ पे चला गया, हमें देखे हम किधर है, हमारी तो सड़कें ही नहीं बन रही, चांद के पहुँचने का फ्यूल भी तक इतने पैसे नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? क्या बात कर दी, चांद पे जाना तो दूर, चांद तक पहुँचने का फ्यूल ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? अरे इलेक्शन तो करवा के देख ले, इलेक्शन के पैसे नहीं है तो हमारा हुक्मरान कैसे आएगा? ये बात है, असल में तो इनके पास पैसा ही नहीं है तो पैसा जा कहाँ रहा है? मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती, हमने 1 करोड़ रुपए देके हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, आप कहते हैं पैसे नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? हमारे लिए इलेक्शन करवा के देखे, शफाफ इलेक्शन करवाए, हमारा हुक्मरान लाए, कहाँ है हमारा हुक्मरान, हम पूछते हैं। इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है, किससे बात करें? बंदे को तो अंदर कर देते हैं या उसको ऊपर पहुँचा देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान की हकीकत, और वैसे कहते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, मैच आते तो कहते हैं इंडिया से क्यों हार गए हैं, और जब इनसे पूछो कि इंडिया क्यों जीत रही है तो कहते हैं इंडिया को नहीं जीतना चाहिए, वर्ल्ड कप चाहे कोई और जीत जाए, इतनी नफरत है इनको हमसे, और भीख मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। इनके जितने भी वर्ल्ड कप के जो मैच हो रहे हैं उसके अंदर भारत कितनी खातिरदारी कर रहा है, लेकिन ये फिर भी भारत को बददुआएं देते हैं। दोस्तों ये कौम कभी सुधर नहीं सकती, इसका मिट जाना ही अच्छा है, इसका बर्बाद हो जाना ही अच्छा है, इसके टुकड़े हो जाना ही अच्छा है। सच कहता हूँ मैं, मेरे तो दिल से यही दुआ निकलती है, क्योंकि इन्होंने बहुत जुल्म किया है हिंदुओं पे, बहुत जुल्म किया दोस्तों, उनको तड़फाया है, वो बद्दुआएं तो लगेंगी ना, आज वो बद्दुआएं लग रही हैं, और ऐसी ऐसी बद्दुआएं लग रही हैं कि इनके नीचे से खून निकलना शुरू हो चुका है। आने वाला वक्त देखिएगा दोस्तों कैसे होगा इनके साथ, बहुत बुरा होने वाला है, मैं क्या बोलूँ। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।